नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल MK स्मार्ट क्लासेज में स्वागत। आज हम 31 जुलाई 2023 की दैनिक समसामयिक की करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन, स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा Jupiter 3, जिसको मैक्सोस टेक्नोलॉजी कंपनी द्वारा तैयार किया गया है और लॉन्च कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र फ्लोरिडा जो USA में है वहाँ से लॉन्च किया गया है और रॉकेट फाल्कन हेवी रॉकेट है। कंपनी स्पेस एक्स है और दुनिया का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह है। कारण, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, 17 इंडोनेशिया का उपग्रह है। PSLV C-55 प्रक्षेपण यान के द्वारा सिंगापुर के उपग्रह को लॉन्च किया गया है। चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया है और LVM-3 M-4 या इसी को बहुबली के नाम से जाना जाता है रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है और सतीश धवन अंतरिक्ष श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ है और इसके मुख्यालय बेंगलुरु में है। PSLV C-54 के द्वारा भूटान के उपग्रह को लॉन्च किया गया है। आज का दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव संरक्षण दिवस 2023 कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 26 जुलाई को। इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वनस्पति पश्चिम बंगाल में है और न्यूनतम वनस्पति गुजरात में है और इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2 वर्ष में एक बार जारी होती है और देहरादून से होती है। मिष्टी योजना, मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण हेतु मिष्टी योजना चलाई गई है। अन्य महत्वपूर्ण दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस, 20 जुलाई को ही अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाया जाता है और 24 जुलाई को राष्ट्रीय आयकर दिवस मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। इसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है और जैव विविधता अधिनियम 2002 का है। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन IECC परिसर भारत मंडपम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली के प्रगति मैदान में और उद्घाटन हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है और यहीं पर दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाया जाएगा जिसका नाम युग्ययुगीन संग्रहालय नई दिल्ली में बनाया जाएगा। इसके अलावा स्टेचू ऑफ प्रोस्पेरिटी बेंगलुरु में है और दिल्ली की बात करें साथियों तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और स्टेचू ऑफ इक्वालिटी ये हैदराबाद में है जो संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। आज का चौथा प्रश्न, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च साहित्य सम्मान माइकल फ्रैंकलिन साहित्य अवार्ड 2023 किसे दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा शंकरी चंदन को दिया गया है। इसके अलावा महत्वपूर्ण तथ्य, हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी अवार्ड बद्री नारायण को दिया गया है तुमड़ी के शब्द उपन्यास के लिए। अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड 2023 का जॉर्जी गोस्पीडो नौ को दिया गया है और 2022 में गीतांजलि श्री राव को दिया गया जो प्रथम भारतीय है और इनकी उपन्यास समाधि के रेत 2022 में गीतांजलि श्री राव को दिया गया है और प्रथम भारतीय है इसका उपन्यास रेत की समाधि के लिए दिया गया। सरस्वती सम्मान 2023 सर शिव शंकरी को दिया गया है सूर्यवंशम के लिए। व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है पागलखाना उपन्यास के लिए। आज का हमारा अंतिम और पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में देश के दूसरे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा नवीन पटनायक जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री है। इनकी पार्टी बीजू जनता पार्टी है और ये 2000 से 2023 तक उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे हैं। प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें तो पवन कुमार चामलिंग है जो सिक्किम के है, 24 वर्ष तक इन्होंने मुख्यमंत्री के पद पर रहे। और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात करें साथियों तो सुचिता कृपलानी है जो यूपी की है। इसके बाद त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानेक शॉ
असम के नए राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और कर्नाटक के सिद्धारमैया है। अगर साथियों आपको हमारी क्लास पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।